जून विश्व योग दिवस पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किया योगा, कोरोना से लड़ने के लिए योग जरूरी। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के कस्तूरी सभागृह में किया योग। बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, पूर्व विधायक जीतू जुराती ने भी योग किया। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार सारे देश के 130 करोड़ लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का संकल्प लिया है, उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने महावैक्सीनेशन अभियान चलाया है। लगभग 7,000 स्थानों पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है और लक्ष्य है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर वैक्सीन प्राप्त करें। मैं इस अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश के और देश के नागरिकों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कोविड रहेगा और कोविड के साथ हम भी रहेंगे। हमें कोविड को हराना है, हराने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है, मास्क ज़रूरी है, सामाजिक दूरी ज़रूरी है, खान पान का नियमन ज़रूरी है, मैदा जैसी चीज़ें बच्चों के लिए जहर है, योग प्राणायाम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि सब लोगों ने अपने नियम और संयम से काम लिया तो निश्चित रूप से कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। भाई साहब, इंदौर की बात करो, इंदौर रिकॉर्ड बनाने के मामले में अव्वल रहा है। आज भी 2 लाख वैक्सीन शहर में और 1 लाख ग्रामीण में लगा जाएगा, अलग कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। देखिए, इंदौर हर विषय में देश में प्रेरणा का केंद्र रहा है और मुझे गर्व है कि जैसे जन भागीदारी से इंदौर ने विकास किया, जन भागीदारी के बाद जन भागीदारी से ही स्वच्छ भारत जो प्रधानमंत्री जी का अभियान था उसमें इंदौर में नंबर मारा है। 4 बार, 5वीं बार भी हम नंबर मारेंगे ऐसा लगता है। तो जन सहयोग, जन भागीदारी, उसका देश के अंदर कोई अच्छा उदाहरण है तो वो इंदौर शहर। और आज वैक्सीनेशन के माध्यम से भी हम रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, इसलिए कि जनता का भी सहयोग है इसमें। सर, कांग्रेस का आरोप है कि योग दिवस पर भी मोदी सरकार ने